आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे के बने बिस्किट, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे बार बार बाहर का कुछ खाने का जिद करते हैं जो कि हेल्दी नहीं होता है। और जो बाहर के बिस्किट वगैरह होते हैं वो मैदे से बने होते हैं, तो आज हम गेहूं के आटे से टेस्टी बिस्किट बना के तैयार करेंगे और इन्हें हम बच्चों के लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जितने हेल्दी है उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी भी होते हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे एक कटोरी दही। आप कोई भी एक कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए ले लीजिए। एक कटोरी दही के अंदर दो कटोरी हम शुगर डाल देंगे। जितना दही लिया उसे डबल क्वांटिटी में हमें चीनी लेनी है। अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस अच्छे से मिक्स करके रख देना है। अब हम एक परात लेंगे और उसमें उसी कटोरी के नाप से हम चार कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे और एक वही वाली कटोरी सूजी ले लेंगे। सूजी बारीक हो या मोटी जैसी भी हो आप ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे चार चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और चार चम्मच ही हम इसमें घी डाल देंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 3 से 4 चम्मच काफ़ी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से ये क्रम्बल फॉर्म में आ जाएगा एकदम। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में जो दही और चीनी हमने घोल के रखी है वो हमें इसमें थोड़ी थोड़ी डाल के और एक मीडियम हमारा डो बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। सारा दही आपको एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी दही पतली भी होती है फिर गाढ़ी भी होती है, तो इस वजह से जो हमारा डो है ना वो गीला हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी डाल के और इसका अच्छा से डो बना के तैयार कर लेना है। अभी देख सकते हैं इस तरीके का डो फॉर्म में आ गया है। आपको अच्छे से इसको एक जैसा कर लेना है और बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, मीडियम है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। ज़्यादा हार्ड होंगे तो ये बिखर जाएंगे बिस्किट, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से बस आपको इसी तरीके का इसको डो लगा के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा ये बच गया था, लगभग 1 से 2 चम्मच। आप चाहें तो इसमें दही मिला के और खा भी सकते हैं, तो इसे साइड में रख देंगे। और इसमें थोड़ी सी हम अभी तिल डालेंगे। वैसे तिल डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप तिल डालेंगे तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम बिस्किट खाते हैं तो जो तिल का जो टेक्सचर होता है और जो टेस्ट आता है एकदम सोना सोना टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास हैं अवेलेबल तो आप ज़रूर से तिल डालिएगा। और वैसे भी तिल हेल्दी भी होते हैं, अब सर्दियाँ भी आने वाली है। तो बस आपको ये डाल लेने के बाद में अच्छे से इस तरह से इसको मसल लेना है। जब आप इस तरह से इसे गूंथेंगे तो जो सारे तिल है ना वो आटे के अंदर आ जाएंगे और अच्छे से सेट भी हो जाएंगे। तो बस आपको अच्छे से इसको इसी तरह से मसल के और तैयार कर लेना है। वैसे तो आप इन बिस्किट को कैसे भी बना सकते हैं, कोई से भी शेप में बना सकते हैं, गोल गोल भी बना सकते हैं या फिर ग्लास कटोरी के हिसाब से कट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है, इस तरीके से डिवाइड करके, और एक जैसा हमें इसको सेट करना है इस तरीके से हाथों से मसल के। अगर आपको इस तरह से परात में नहीं हो पा रहा हो तो आप भी इसको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने 2 भाग में अच्छे से डिवाइड कर लिया है और अब मैं इसे प्लेटफॉर्म पे आपको कट करके बताऊंगी। तो देखिए एक बार अच्छे से कर लीजिए ताकि जो इसके क्रैक्स हैं वो सारे रिमूव हो जाए। और वैसे थोड़े बहुत क्रैक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस तरह से इसको चपटा करके और सेट कर लेना है हाथों से, और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो आधे आधे इंच के ही शेप में आपको इस तरह से कटना है, ज़्यादा मोटा है ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और अभी देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो इसी तरीके से सारे कट कर लेना और हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लेना है आपको, ताकि ये मतलब जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो टूटने का डर नहीं रहेगा, बिखरेंगे नहीं। तेल को बिल्कुल मीडियम पे गरम करना है, थोड़ा फ्लेट जो तले वाला बर्तन हो वही लेना, या तो आप पैन ले लीजिए, इस तरह से फ्लेट वाली कोई कढ़ाई हो तो ले सकते हैं। अभी देख सकते हैं तेल सिर्फ मीडियम पे गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, और गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम टू लो पे आपको रखना है और इन्हें अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। डालते से आपको चलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो अगर आप शुरुआत में इन्हें बहुत चला देंगे तो ये टूट सकते हैं। और मेरा कहना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्हें बना रहे हैं तो सबसे पहले आप एक तल के देख लीजिए, अगर बाई चांस ये बिखर रहे हैं, वैसे तो नहीं बिखरते हैं, लेकिन अगर हो सकता है चीनी का थोड़ा सा माप ऊपर या नीचे हो जाए जिस वजह से बिखर सकते हैं, तो अगर बाई चांस ये बिखर रहे हैं तो आप इनको वापस से मसल के थोड़ा सा आटा इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और एक जैसा इसको सेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर से आप इसी शेप में इसको कट करके और तल सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये बिखर जाते हैं,
थोड़ी सी अगर चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो बिखरने का हो सकता है, तो इसलिए पहले आप एक तल लीजिए, जब एक परफेक्ट बन जाए तभी आप सारे डालिए, अदरवाइज एक के साथ आप सारे डाल देंगे और अगर ये बिखर जाएंगे तो फिर उनको निकालने में बहुत आफत आ जाती है। इस वजह से अभी देख सकते हैं मैंने इनको बस टर्न कर करके और इस तरह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनके ऊपर। तो बस आप भी, आप चाहें तो थोड़ा हल्का कलर भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से जब हम कर देते तो जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से इनको सेट कर लेना है, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अभी इनमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी जो इनकी लुकिंग है ना, बिल्कुल टोस्ट जैसी आ रही है, जैसे टोस्ट हमको मिलते हैं मार्केट में, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब ये ठंडे होंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको मतलब आराम से इनको निकाल लेना है। तो बस अब हम इनको निकालेंगे। जब आप इनको निकालें तो एकदम मतलब या तो आप कोई भी कलछी या फिर किसी की भी हेल्प ले लें ताकि ये इजीली निकल जाए, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो आप धीरे धीरे इस तरह से कोई भी छन्नी वगैरह के ऊपर लेके और इनको सबको निकाल लीजिए, और बिल्कुल भी ऑयल जो है ना ऑब्जर्व अपने अंदर ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि गेहूँ के आटे से बने हैं तो बहुत ही अच्छे बिस्किट हमारे फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगे। इन्हें हम बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, और जब भी बच्चे कुछ खाने की जिद करें तो इस तरीके से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, ताकि हमें पता होता है कि हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं। अदरवाइज़ जो बाहर की पैकिंग वाले प्रोडक्ट आते हैं, जो चिप्स और बिस्किट वगैरह आते हैं, वो काफ़ी नुकसान करते हैं बच्चों के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।